बेटी का घर टूटने के गम से उबर रही हैं हेमा। लंबे वक्त बाद पार्टी करने निकली हैं ऐशा की मम्मा। नीता लूला की खुशियों में हुई शामिल। बॉलीवुड ब्यूटीज की फेवरेट डिजाइनर नीता लूला ने फैशन इंडस्ट्री में पूरे किए 40 साल, तो दोस्तों के साथ मिलकर नीता ने बांटी अपनी खुशियां। बॉलीवुड में सैटरडे नाइट जश्न के कई मौके लेकर आई, जहां एक तरफ मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ फेमस फैशन डिजाइनर नीता लूला ने भी जश्न मनाया। शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, जूही चावला जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज की फेवरेट डिजाइनर नीता लूला ने फैशन इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे कर लिए हैं, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो इसी खुशी में नीता लूला ने बीती रात मुंबई में होस्ट की एक धमाकेदार पार्टी। नीता ने ये पार्टी गौरी खान के न्यूली लॉन्च्ड रेस्टोरेंट टोरी में रखी थी, जिसमें शामिल होने कई सितारे पहुंचे। हालांकि शाम की खास मेहमान रही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जो एक लंबे वक्त बाद किसी पार्टी में जश्न मनाने पहुंची, या यूं कहें कि बेटी ऐशा के पति भरत तख्तानी से तलाक के ऐलान के एक महीने बाद हेमा मालिनी किसी बॉलीवुड सेलिब्रेशन में शामिल हुई। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि बीते महीने ही हेमा मालिनी की जिंदगी में तूफान आया था, जब ऐशा ने पति भरत तख्तानी से तलाक लेकर अलग होने का ऐलान किया था। ऐशा का तलाक हेमा मालिनी के लिए भी काफी मुश्किल भरा दौर रहा, लेकिन अब इन मुश्किलों और गम से हेमा उबर रही हैं। बीती रात हेमा मालिनी नीता लूला के साथ उनकी खुशियां बांटने पहुंची। गुलाबी साड़ी में हेमा हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। ड्रीम गर्ल का ये ड्रीमी लुक उन पर खूब जच रहा था, तो वहीं हेमा के चेहरे पर आई मुस्कान देख उनके फैंस भी खुश हो गए। हेमा ने नीता लूला के साथ जमकर पोज दिए। इस स्टार स्टडेड इवेंट में कई सितारे शामिल हुए। हेमा की भतीजी और एक्ट्रेस मधु को भी हमने यहाँ कैप्चर किया, जो कि यहाँ सुपर स्टाइलिश लुक में पहुंची थी। नीता की पार्टी में ग्लैमर ऐड करने का काम बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन ने भी किया। रेड एंड न्यू टोन की गाउन पहने सुष्मिता ने अपना बोल्ड लुक कैमरास के सामने फ्लॉन्ट किया। पार्टी में सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ पहुंची थी। इस दौरान रोहमन सुष का खास ख्याल रखते नजर आए, तो बॉयफ्रेंड से प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाकर सुष्मिता भी खूब खुश हुई नजर आई। हर पार्टी में पति रितेश के साथ पहुंचने वाली मिसेस देशमुख यानी कि जेनेलिया डिसूजा अकेले ही नीता की पार्टी की मेहमान बनी। जेनेलिया ने फैंस के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। तमन्ना भाटिया को भी हमने यहाँ स्पॉट किया। लेवेंडर कलर का फॉर्मल सूट पहने पार्टी में पहुंची तमन्ना अपना बॉस लेडी अवतार फ्लॉन्ट करती नजर आई। इनके अलावा डायरेक्टर सुभाष घई, मधुर भंडारकर, एली अवराब, मंदाना करीमी और गदर फेम एक्टर उत्कर्ष शर्मा भी नीता लूला को बधाई देने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।